बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपी के 8 क्लास मैथमेटिक्स के एमसीक्यूस का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका चैप्टर नंबर 11 अपलोड कर लेते हैं। इसके 10 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। इसका ये पैदा होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को आती रहेंगी। तो यहाँ पर इसमें चैप्टर नंबर 11 है, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगनोमेट्री इन रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ पहला क्वेश्चन है यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है द वर्ड ट्राइगनोमेट्री इज मेड फ्रॉम 3 वर्ड्स। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 3 वर्ड्स यानी लव्स ट्राइगनोमेट्री 3 अल्फा से बनाया गया है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्राई यानी ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल, मेट्री मीन्स मेयरमेंट। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है 3 यानी द वर्ड ट्राइगनोमेट्री इज मेड फ्रॉम 3 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देयर आर 6 ट्राइगनोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 6 ट्राइगनोमेट्रिक रेशियो, ये टोटल तादाद में 6 है और उनके नाम ये हैं, नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेंजेंट थीटा, नंबर 4 कोसेक्वेंट थीटा, नंबर 5 सीक्वेंट थीटा, नंबर 6 कोटेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कॉस थीटा इज द इनवर्स ऑफ सीक्वेंट थीटा यानी कॉस थीटा सीक्वेंट थीटा का इनवर्स है, उलट है। पर यह बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि साइन थीटा कोसेक्वेंट थीटा का इनवर्स है और टेंजेंट थीटा ये कोटेंजेंट थीटा का इनवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा फॉर 45 डिग्री इज इक्वल टू डैश। इसमें करेक्ट ऑप्शन है 1/√2। ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री इन दोनों की वैल्यू सेम है यानी कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री ये हमेशा बराबर होती है 1/√2 के। प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये सीखना है कि साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री, ये सारी ट्राइगनोमेट्रिक रेशियो जो है ये हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है, इसको मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके लिए आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है जिसका थंबनेल आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल बिटवीन देम विल बी 60 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू डैश। यहाँ पर आप सब दोस्तों ने ये मालूम करना है कि कॉस 60 डिग्री ये किस वैल्यू के बराबर होगा। इसके मुतालिक मैंने पहले से एक वीडियो बनाई है जिसका थंबनेल आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको लाजमी वॉच करें ताकि आप सब दोस्तों को आने वाली एग्जाम्स में आसानी हो। तो यहाँ पर हमारे साथ कॉस 60 डिग्री ये हमारे साथ बराबर है 1/2। और नेक्स्ट है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 7 टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू डैश। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि टेंजेंट 30 डिग्री ये हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है, तो ये हमारे साथ बराबर है 1/√3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कोसेक्वेंट 45 डिग्री, कोसेक्वेंट 45 डिग्री ये हमारे साथ बराबर है 2√2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 सीक्वेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू डैश। सीक्वेंट 60 डिग्री
डिग्री ये हमारे साथ बराबर है 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर इसकी जगह हमारे साथ टेंजेंट थीटा होती तो उसकी वैल्यू हमारे साथ बराबर होती, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, टेक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ लेंथ ऑफ बेस इज 3 मीटर्स एंड दैट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 5 मीटर्स। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी हाइट आप सब दोस्तों ने मालूम करनी है, जिसका बेस जो है वो हमारे साथ 3 मीटर के बराबर है और हाइपोटेन्यूज ये हमारे साथ 5 मीटर्स के बराबर है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने ये मालूम करना है कि यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट जो है, यानी जिसका परपेंडिकुलर साइड है, वो हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन से आप सब दोस्तों ने गिवन डेटा को उठाना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे साथ, यानी जो गिवन डेटा है, इसमें हमारे साथ बेस बराबर है 3 मीटर के और हाइपोटेन्यूज इसमें हमारे साथ बराबर है 5 मीटर के। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप सब दोस्तों ने यानी परपेंडिकुलर साइड को मालूम करना है। तो इसके लिए आप सब दोस्तों ने क्या करना है, इसके लिए आप सब दोस्तों ने पिथागोरस थ्योरम का फार्मूला यूज करना है। तो पिथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है वो आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे साथ जो हाइपोटेन्यूज है ये हमारे साथ बराबर है 5 मीटर के। तो ये बन जाएगा 5 मीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर ये हमारे साथ बराबर है 3 मीटर का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी इस साइड को आप सब दोस्तों ने मालूम करना है। यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, यहाँ पर ये हमारे साथ है 5 स्क्वायर, तो इससे रिजल्ट आएगा 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हमारे साथ है 3 मीटर का होल स्क्वायर, 3 3 9, तो ये बन जाएगा 9 मीटर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 9 को आपने इस साइड पे लाना है, तो ये बन जाएगा 25 - 9। तो जब भी हम 25 से मनपी 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 16। तो ये बन जाएगा, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 मीटर्स। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट बेस एंगल द बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विल बी द सेम। तो यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी एंगल पे बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा बराबर होते हैं। तो ये दोनों हमेशा 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसेक्वेंट थीटा। ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि कोसेक्वेंट थीटा का इन्वर्स जो है वो हमारे साथ है साइन थीटा। कॉस थीटा का इन्वर्स है हमारे साथ सीक्वेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का हमारे साथ इन्वर्स है कोटेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक्वेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू डैश। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि कोसेक्वेंट 30 डिग्री ये हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। तो ये हमारे साथ बराबर है प्लस 2 के। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों, इन सारी वैल्यूज को याद करने के लिए, सीखने के लिए ये स्क्रीन पे जो थंबनेल आप सब दोस्तों को नजर आ रहा है, इस वीडियो को आप सब दोस्तों ने लाजमी वॉच करनी है। ये वीडियो आप सब दोस्तों को मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इस वीडियो में इन सारी वैल्यूज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप सब दोस्तों को आसानी हो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।